अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स मी सैयद दानियाल दानिश फ्राम ब्रदर एसोसिएट एंड बिल्डर्स। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बार फिर लेके आए हैं 10 मिले का ब्रांड न्यू घर, जिसकी लोकेशन बनती है पहरिया टाउन लाहौर। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। तो ये 10 मिले का फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन आप चेक कर सकते हैं। टाइल्स और रॉक वॉल का काम किया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत और मॉडर्न टच का ये फैन एलिवेशन बना हुआ है। अभी हम आपको दिखाते हैं, अंदर से पूरा विजिट करवाएंगे, इसके प्राइस बताएंगे, इनके फीचर के बारे में बताएंगे, इसमें कितने रूम हैं, किचन कितने हैं, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, आपको सब दिखाएंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ये इसका ग्रीन एरिया है, वॉल्स पर भी आप डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। और अभी हम चलते हैं कार पोर्च की तरफ। इसका मेन गेट, मेन गेट से एंटर होता ही इसका ये कार पोर्च। टाइल आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव टाइल्स लगे हुए हैं। सामने एक नीच बनी हुई है, लेफ्ट साइड पे तीन नीच बने हुए हैं और वॉल्स पे आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया गया है और साथ ही प्लांटेशन के लिए जगह बनाई हुई है। अभी मैं आपको राइट साइड दिखाता हूँ। ये आप राइट साइड देख सकते हैं, इसकी दो मेन एंट्रेंस है। कार पोर्च में 2 से 3 सीडान कार इजीली पार्क हो सकती हैं। ओपन स्पेस एरिया आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। वॉल्स पे आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल का काम किया गया और प्लांटेशन भी की गई है। कार पोर्च का सीलिंग की बात करें तो सीलिंग में डिज़ाइन किया हुआ SMG लाइट इसमें इंस्टॉल है और साथ ही इसकी ये गैलरी है जो कि आपके वॉशिंग एरिया को एक्सेस देती है। इसका पाउडर रूम और इसका तीसरा जो मेन एंट्रेंस है उसको एक्सेस देती है। बैठे टाउन में जितने भी 10 मिले के घर हैं, 2 साइड ओपन होते हैं जो कि आपके पूरे घर को वेंटिलेट रखती है। इस घर में टोटल 3 मेन एंट्रेंस है। अगर आप इस घर को रेंट पर देना चाहते हैं तो ईजिली आप सेपरेट कर सकते हैं। तो अब ये चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको लॉबी दिखाता हूँ ग्राउंड फ्लोर की। डोर पे आप चेक कर सकते हैं, सॉलिड वुड के डोर बने हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ। ये जो तीसरा दरवाज़ा है, आप इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं अगर आपने इसको रेंट पे देना है। फ्लोर पे टाइल चेक कर सकते हैं, वॉल्स पे काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। वॉलपेपर का इस्तेमाल किया हुआ है, मिरर का इस्तेमाल किया गया, सीलिंग्स में डिज़ाइन किया हुआ है, SMG लाइट, LED लाइट और एक खूबसूरत फैंसी लाइट भी इसमें इंस्टॉल है। लॉबी के साथ ही ये इसका लिविंग एरिया, लिविंग एरिया आप चेक कर सकते हैं। सामने काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है फीचर वॉल पे और फायरप्लेस भी इसमें इंस्टॉल है। लेफ्ट साइड पे इसका LED पॉइंट, ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ माशाल्लाह से। A+ इस घर की कंस्ट्रक्शन की गई है। फ्लोर पे आप टाइल चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको सीलिंग दिखाता हूँ। सीलिंग में काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, SMG लाइट और एक खूबसूरत फंगस इसमें इंस्टॉल है। लिविंग एरिया के साथ ही इसके 2 बेडरूम हैं और राइट साइड पे इसका ड्राइंग रूम। सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाता हूँ। वेंटिलेशन के लिए वाइड विंडो। फीचर वॉल की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर्स लगे हुए हैं। वुड का भी काम किया गया है, 2 फैंसी लाइट इंस्टॉल है। सीलिंग की बात करें, सीलिंग में डिज़ाइन है एक खूबसूरत फैंसी लाइट, SMG लाइट, LED लाइट इसमें इंस्टॉल है। फ्लोर की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगे हुए हैं। ये डोर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। सॉलिड वुड के डोर हैं, ग्लास का भी काम किया गया है। लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने इसका ये किचन, आपको किचन दिखाता हूँ। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो, सिंक आप देख सकते हैं, कैबिनेट आप चेक कर लें। इसमें अभी बर्नर और इलेक्ट्रॉनिक होल्डर इसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाएगा। सीलिंग आप चेक कर सकते हैं, सीलिंग्स में डिज़ाइन है, SMG LED लाइट इसमें पहले से इंस्टॉल है। फ्लोर में आपको दिखाता हूँ, टाइल चेक कर सकते हैं आप। तो लिविंग एरिया के बिल्कुल साथ ही 2 बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे। सबसे पहले मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। फर्स्ट बेडरूम आप चेक कर सकते हैं, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो, बेड वाला पे आप डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत काम किया हुआ है। और इसकी अलमारी है राइट साइड पर। फ्लोर पर आप टाइल देख लें। सीलिंग में आपको दिखाता हूँ, सीलिंग्स में डिज़ाइन किया हुआ है, SMG लाइट, LED लाइट इंस्टॉल है। साथ ही इसका ये अटैच बाथ, सिंक आप चेक कर सकते हैं, इसका मिरर, वेंटिलेशन के लिए विंडो, वॉल्स पे काफ़ी खूबसूरत टाइल्स, डिफरेंट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं। इसके शावर, कंसील्ड शावर इसमें इंस्टॉल है। इसका एक कमोड, फ्लोर पे आप टाइल चेक कर सकते हैं, वुडन टेक्सचर में टाइल्स लगे हुए हैं, काफ़ी लग्जरी लुक दे रही है। तो अभी आइए हम चलते हैं इस घर के दूसरे बेडरूम की तरफ। डोर सेंटर होता है, सामने वेंटिलेशन के लिए वाइड विंडो। बेड वॉल की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, काफ़ी लग्जरी लुक दे रही है। इसकी अलमारियाँ, सीलिंग की बात करें, सीलिंग में डिज़ाइन किया हुआ है, SMG लाइट, LED लाइट इसमें इंस्टॉल है। ये बेड वॉल, फ्लोर पे आप टाइल चेक कर सकते हैं,
और इसका अटैच बाथ, वैनिटी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत वैनिटी इसमें स्टॉल है। इसका कंसील्ड कमोड, वॉल्स पे आप टाइल चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव टाइल्स लगे हुए हैं। मिरर पूरे वॉल्स पे काफ़ी खूबसूरत और डिफरेंट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं। और इसका शावर एरिया, शावर आप चेक कर सकते हैं, ये फ्लोर पे आप टाइल देख लें। और वेंटिलेशन के लिए विंडो और एग्जॉस्ट की जगह रखी हुई है। तो अभी आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपना कीमती फीडबैक हमें कॉमेंट सेक्शन में लाजमी दें। स्टेयर्स के वॉल्स आप चेक कर सकते हैं, वॉल्स पे भी काफ़ी खूबसूरत और हाई क्वालिटी वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी। फ्लोर आप चेक कर सकते हैं, फ्लोर पे काफ़ी अट्रैक्टिव टाइल्स लगे हुए हैं। सामने वॉल पे भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया, वॉलपेपर का काम किया गया और मिरर भी इसमें इंस्टॉल है। सीलिंग में आपको दिखाता हूँ, सीलिंग में भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, SMG लाइट इसमें इंस्टॉल है। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी के साथ ही इसका ये मिनी टेरेस है, मैं आपको पहले मिनी टेरेस दिखाता हूँ। मिनी टेरेस आप चेक कर सकते हैं, इसका मिनी टेरेस है। फ्लोर पे काफ़ी खूबसूरत टाइल्स लगे हुए, SMG लाइट इसमें इंस्टॉल है। तो अभी आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिविंग एरिया की तरफ। एंटर होते ही सामने की काफ़ी खूबसूरत नीच बनी हुई है। ये सामने आप लिविंग एरिया के फीचर वॉल चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे इसके LED पॉइंट है। फ्लोर पे आप टाइल चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको सीलिंग दिखाता हूँ, सीलिंग में भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, खूबसूरत फनूस, SMG लाइट इसमें इंस्टॉल है। फीचर वॉल के बिल्कुल सामने इसका ये किचन, राइट साइड पे दो बेडरूम है और लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओपन किचन। इसका ओपन किचन है, काफ़ी खूबसूरत और लग्जरी काम किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए विंडो, सिंक आप देख सकते हैं, कैबिनेट आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी के शीट्स लगे हुए हैं। सीलिंग आपको दिखाता हूँ, सीलिंग्स में डिज़ाइन किया हुआ है, SMG लाइट इसमें इंस्टॉल है। फ्लोर आपको दिखाता हूँ, फ्लोर पे आप टाइल चेक कर सकते हैं। तो अभी आइए चलते हैं इस घर के तीसरे बेडरूम की तरफ। डोर से एंटर होते हैं सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो, बेड वॉल आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। फ्लोर पर टाइल आप चेक करें, मैं आपको सीलिंग दिखाता हूँ, सीलिंग्स में भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, SMG लाइट LED लाइट इसमें इंस्टॉल है। ये इसकी अलमारी है, उसी के साथ ही इसका ये अटैच बाथ। वैनिटी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत और एक अट्रैक्टिव टाइल्स इसमें लगे हुए हैं। कलर कम्बिनेशन किया हुआ है ब्राउन और वाइट कलर का, आप देख सकते हैं पूरे वॉल्स पे जो टाइल्स लगे हुए हैं ब्राउन और वाइट कलर के टाइल्स लगे हुए। वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एग्जॉस्ट की जगह खाली है, सीलिंग्स में डिज़ाइन किया हुआ है, SMG लाइट इसमें इंस्टॉल है। तो अभी आइए चलते हैं इस घर के चौथे बेडरूम की तरफ। डोर से एंटर होते ही सामने वेंटिलेशन के लिए वाइड विंडो, बेड वॉल आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी लग्जरी काम किया हुआ है बेड वॉल पे। फ्लोर पे आप टाइल चेक कर सकते हैं, सीलिंग्स में काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, SMG LED लाइट इसमें इंस्टॉल है। बेड वॉल के साथ ही इसकी अलमारी आप देख सकते हैं, इस साइड पर वॉलपेपर का काम किया गया, सामने ही अटैच बाथ। वैनिटी आप चेक कर सकते हैं, फैंसी वैनिटी इसमें इंस्टॉल है। वॉल्स पे आप टाइल चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव टाइल्स लगे हुए। वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट की जगह खाली है, सीलिंग में डिज़ाइन किए हुए, SMG लाइट इसमें इंस्टॉल है। शावर एरिया आप देख सकते हैं इसका ये कमोड, फ्लोर पे काफ़ी खूबसूरत टाइल्स लगे हुए। तो अभी आइए चलते हैं इस घर के लास्ट बेडरूम की तरफ। डोर से एंटर होते ही सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो, इस वॉल पे काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर का काम किया गया, दो फैंसी लाइट इसमें इंस्टॉल है। और इस तरफ इसकी अलमारी, फ्लोर पे आप टाइल चेक कर सकते हैं, सेम टाइल्स पूरे घर में लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यही टाइल्स पूरे घर में इस्तेमाल किया गया। सीलिंग्स में डिज़ाइन किया गया, SMG LED लाइट इसमें इंस्टॉल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका अटैच बाथ। सिंक आप चेक कर सकते हैं, फैंसी सिंक इसमें इंस्टॉल है। पूरे वॉल्स पर टाइल्स का काम किया गया, अट्रैक्टिव टाइल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं। सीलिंग्स में डिज़ाइन किया हुआ है, SMG लाइट इंस्टॉल है। वेंटिलेशन के लिए विंडो और एग्जॉस्ट की जगह खाली है। ये इसका हुआ शावर एरिया और इसका कमोड। फ्लोर पे आप टाइल चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत टाइल्स लगे हुए हैं। तो अभी आइए हम आपको दिखाते हैं इसका मेन टेरेस। मेन टेरेस जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और हमें फीडबैक हमें कॉमेंट सेक्शन में लाजमी दें। स्टेयर से ऊपर आते ही वेंटिलेशन के लिए विंडो, यहाँ पे छोटी सी मल्टी बनी हुई है, आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। फ्लोर आप चेक कर सकते हैं, पूरे फ्लोर पर टाइल्स का काम किया गया और मेन टेरेस पे इसका सर्वेंट क्वार्टर
और एक वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं। इसका सर्वेंट क्वार्टर है और साथ इसका वॉशरूम। राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बारबेक्यू के लिए पूरा सेटअप बनाया हुआ है। आप यहाँ विंटर में अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ बारबेक्यू इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू 10 मल्ले घर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करूँगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। इस खूबसूरत से घर की जो डिमांड है वो 3.60 करोड़ रुपये। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं और इस घर को अपने नाम पर कराना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।